नमस्कार, मैं अंशु स्वागत करती हूँ आपका MSTV में और आप देख रहे हैं आपकी बात। आपकी बात में हम आज बात करेंगे ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन MS बिट्टा से। आज है 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस और आइए चलते हैं और बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके मायने हिंदी पत्रकारिता दिवस के बारे में। सर, आजकल जो पत्रकारिता उसके मायने बदल रहे हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं पत्रकारिता को? अगर एक फौज के जवान को, फोर्सेज के जवान को अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, तो पत्रकारी को भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। पॉलिटिशियन, पत्रकारी जो सच है सच लिखना चाहिए, आज रिसर्च करना चाहिए हर चीज़ को, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, पॉलिटिकल दबाव नहीं होना चाहिए, तभी पत्रकारी दिवस को मैं आज के दिन मुबारकबाद दूंगा कि हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें। हर चीज़ मीडिया पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, जो सच है वही दिखाना चाहिए। सर, आजकल देखा जाता है पत्रकारिता भी और राजनीति भी धर्म के ऊपर होती है, हर जगह हिंदू मुस्लिम करके, बंटवारे की बातें करके और इनसे बदला लेंगे उनसे बदला लेंगे करके राजनीति खेली जाती है, और वहीं पत्रकारिता भी। अगर पत्रकारी अपनी जिम्मेदारी को निभाए कि ये फिरका प्रस्ती का नारा देता है, कोई कहता है मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, कोई कहता मैं हिंदू के लिए लड़ूंगा, कोई कहता मैं मुसलमान के लिए लड़ूंगा, कोई कहता है ईसाई, कोई कहता मैं सिख के लिए लड़ूंगा, तो पत्रकारी को चाहिए कि उनको इग्नोर करे। जो सेकुलरिज्म की बात करे पत्रकारी, वो सबसे बड़ी है, जो वो दिखाए और उसको आगे लेके जाए। जो फिरका प्रस्ती देश को तोड़ने, समाज को तोड़ने, जात पात और मजहब के अंदर बांटने वाले लोगों को अगर हम दिखाएंगे या उनको हम उत्साहित करेंगे, तो वो पत्रकारी नुकसान की तरफ लेके जा रही है इस राष्ट्र को। सर, हमारे आने वाले जो पत्रकार हैं उनके लिए कोई संदेश कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्हें पत्रकारिता करनी चाहिए, कैसे इन सब चीज़ों से बदला चाहिए? पत्रकार, हर नया पत्रकार एक नया रास्ता लेके आता है कि मैं राष्ट्र के लिए कुछ करूं। अगर जहां वो पत्रकारी कर रहा है कोई चैनल है या पेपर है, अगर वही राजनीतिक प्रेशर में है तो वो पत्रकार क्या करेगा? पत्रकार तो चाहेगा मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। जैसे आप एक अच्छे पत्रकार हैं, आज आप इस उम्र के अंदर आपने शुरुआत की है, आप आगे बढ़ना चाहेंगे, आपको काम करने का मजा ये आएगा कि आपको पूरी आज़ादी दी जाए, सच को सच, झूठ को झूठ। ये नहीं कि ऊपर से कोई पॉलिटिकल दबाव आया तो इस न्यूज़ को रोक दो, फिर पत्रकारी नहीं है, फिर झूठ है। पत्रकारिता वो नहीं जो किसी की गुलाम हो जाए, बल्कि पत्रकारिता वो है जो किसी की गुलामी को भी सामने ला के रख दे। तो ये थे MS बिट्टा जी, देखते रहिए MSTV हर पल आपके साथ।